हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो या फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया पर आप अगर वीडियो बनाने की सोच रहे हो और आपकी वॉइस की जो आवाज़ की क्लियरिटी है उसमें थोड़ा अप डाउन है, जैसे मेरी भी अभी आवाज़ है वो क्लियरली नहीं आ रही है, बट मैंने भी एक चीज़ ट्राई की है, सोनाटा गोल्ड मॉडल S111 माइक मैंने आज ही मंगाया है। अब इसका हम लोग देखने वाले हैं कि वॉइस आवाज़ है वो कैसी है। अगर बजट की बात करूँ तो ये लगभग 999 रुपये में आपको Amazon या Flipkart पे वो मिल जाएगा। बट मैंने अभी इसको टेस्ट नहीं किया है कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से आवाज है। अभी जो आवाज़ सुन रहे हो आप वो डायरेक्ट फोन के माइक से आवाज़ है वो कैप्चर हो रही है, बट अभी इस माइक से हम लोग है वो टेस्ट करने वाले हैं कि इस माइक की आवाज़ है वो कैसी है। आप खरीदने की सोच रहे हो तो आपके लिए सही है या नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअल में इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो तो आप देख ही पा रहे होगे कि लगभग इसकी जो रेंज है वो 20 मीटर के आसपास है। तो हम लोग ये भी चेक करने वाले हैं कि ये 20 मीटर तक चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, आवाज़ की क्लियरिटी क्या है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर आपको एक तो ये मिल रहा है जो आपको आवाज़ सेंडर है, ये वॉइस को रिसीवर करने वाला है, ठीक है। इसके साथ में आपको ये बहुत सारे कुछ पोर्ट मिल जाते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये पोर्ट मिल गया, एक ये मिल गया, ये USB वाला है, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में भी काम में ले सकते हैं। ये नॉर्मल मोबाइल में जो मेरे वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये सही है, और ये आप एप्पल के फ़ोन में भी है वो काम ले सकते हो। इसको सिंपली ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है, इसको प्रेस करके रखना है तो ये हो जाएगा। अभी देखो रेड लाइट और दोनों ग्रीन लाइट दोनों बीप हो रही है, कैमरे के अंदर आपको दिख रही होगी। तो अगर ये लाइट बीप हो रही है इसका मतलब ये कनेक्ट नहीं है, बट अगर ये लाइट बीप नहीं हो रही है, ग्रीन है, तो इसका मतलब आपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो अभी ये कनेक्टेड है नहीं तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको आवाज़ तक है वो सुना के दिखाने वाला हूँ। अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हो वो क्लियरिटी डायरेक्ट मोबाइल के माइक से है, अभी इसके माइक से कैसे आने वाली है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कुछ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। ये जो है वो खाली है, और इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या आया हुआ है इसमें। तो इसके अंदर हमें नॉर्मली आपको मिल जा रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है आपको, Type-C2 ये वाला जो सिस्टम है वो चार्ज होता है, इसे आप यहाँ पे लगा के इसको इजीली वो चार्ज है वो कर सकते हो। अब इस माइक की आवाज़ कैसी आ रही है, किस तरीके से इसकी आवाज़ की क्लियरिटी है वो मैं आपको अपने लैपटॉप में चेक कराने वाला हूँ। मोबाइल ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है तो मोबाइल से मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, बट माइक से लैपटॉप में अपने माइक जोड़ के आपको दिखाता हूँ। अभी जो मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो उससे बेस्ट आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है वो आप चेक करवाता हूँ। मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए, ये देखो आपको USB वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो मैं USB के अंदर अपने मोबाइल में ये कनेक्टर यहाँ पे लगा देता हूँ और ये अपने मोबाइल में कनेक्टर के लिए जोड़ देता हूँ। अब जैसे ही मैं देखो इसको ऑन कर रहा हूँ, मैंने इसको ऑन किया तो देखिए इसमें लाइट है वो पूरी की पूरी ग्रीन हो गई है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्ली अपने सिस्टम के अंदर है वो कनेक्ट हो चुका है। अब लैपटॉप की रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ, दोनों आवाज़ों के अंदर मैं डिफरेंस दिखाऊंगा। अभी जो आवाज़ है वो मोबाइल की आवाज़ है, तो अभी आप जो आवाज़ सुन पा रहे हो वो मेरे मोबाइल की आवाज़ है। अब मैं इस आवाज़ को चेंज करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका माइक है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो USB वाला माइक है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो इसके अंदर आ रहा है। अब मैं ये थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपको करके चेक करा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको मोबाइल, अभी देखो आप जैसे मैं मोबाइल के अंदर बोल रहा हूँ तो ये जो आवाज है ये मोबाइल वाली आवाज है। अब मैं आपको स्क्रीन वाली आवाज सुना रहा हूँ, तो अब आप जो आवाज सुन रहे हो वो स्क्रीन वाली आवाज है, तो ये आवाज और उस आवाज के अंदर आपको क्या डिफरेंस लगता है, तो आप खुद ही इस आवाज को सुनकर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा माइक है वो बेटर है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस माइक का टेस्ट किया है, इसमें 20 मीटर रेंज दे रखी है, बट ये 20 मीटर तक वर्क है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है। 15 मीटर या 12 मीटर तक आवाज है वो एकदम प्रॉपरली आती है, उसके बाद अगर आपकी दूरी बढ़ती है तो इसकी आवाज जो आवाज की फ्रिक्वेंसी है वो बार बार कट कट के आवाज है वो आने वाली है। तो बेसिकली आप इतना यूज कर रहे हो जैसे न्यूज के अंदर या ज्यादा लेंथ या ज्यादा दूरी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये माइक आपके लिए प्रॉपरली वर्क नहीं करने वाला। अगर आप ज्यादा दूरी के लिए यूज कर रहे हो तो दूसरा माइक देख लेना, अगर आपके लिए 12 से 15 मीटर तक की रेंज की दूरी में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला तो इसकी आवाज है वो एकदम परफेक्ट है। बोया के माइक के कंपैरिजन करें तो बोया से काफी इसकी आवाज है वो काफी बेटर आने वाली है। ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है वो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो। तो आप वीडियो को देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है।